बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से फ्रेंड्स फिर से नई भर्ती का हो चुका है यहाँ पर शुरुआत। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में नई भर्ती फिर से आ चुकी है। बिहार विधान परिषद के अंतर्गत जो कि ग्रुप डी के पदों पर है और इसका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू नहीं हुआ है अभी शुरू होगा 18 सितंबर से, और अंतिम जो डेट है वो है 11 अक्टूबर 2019 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सिर्फ इंटरव्यू होगा। जैसा कि अभी एक इंटरव्यू चल रहा है जो कि इससे पहले वैकेंसी आई थी एक दो महीना पहले, सेम वही पोस्ट पे फ्रेंड्स फिर से भर्ती आई हुई है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत। तो पूरा अपडेट जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, बिहार में अगर आप लोग कोई भी संविदा कर्मी हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि समान काम समान वेतन लागू हो चुका है, कैबिनेट से पास हो चुका है बिहार राज्य में। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको नई भर्ती का अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट बिहार विधान परिषद सचिवालय का, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 1 से लेकर 6 तक का इसका जो है ख़त्म हो चुका है। अब जो यहाँ पर नया जारी किया गया विज्ञापन संख्या देख रहे हैं आप 7/19 और 8/19, ठीक है, जो प्रारंभ तिथि होगा, सॉरी मैं 18 बोल दिया, ये 20 सितंबर 2019 से ये शुरू होगा आवेदन, ठीक है फ्रेंड्स, 20 सितंबर से। तो इसका मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ एक एक करके। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ 7 नंबर का विज्ञापन, उसमें क्या है, उसके बाद दिखाऊँगा नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये रहा देखिए 7/19 में जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत संदेश वाहक और मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी एवं कर्म पत्र वितरक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 7/19 प्रकाशित किया जा रहा है। देखिए ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि वो 20 सितंबर से शुरू होगा 11 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर के शाम 6 बजे तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें दिया गया है कि ये जो है कार्यालय परिचारी जो लेवल वन के अंतर्गत मिलेगा पैसा आपको लेवल वन में, और इसमें कुल जो है सीट है 96, ठीक है, इसमें जो है अनारक्षित के लिए 38 है, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 17, पिछड़ा वर्ग 12, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 3 और EWS के लिए 10, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 और दिव्यांग के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में 4 पोस्ट है, और महिला के लिए 31 सीट, कुल जो है 96 सीट है कार्यालय परिचारी के लिए। और कर्म पत्र वितरक के लिए आपको यहाँ पर कुल जो है 7 पदों पर भर्ती आई गई है, और यहाँ पर जो इसका वेतनमान है 18,000 से लेकर 56,900 प्लस जो भी भत्ते वगैरह हैं वो अलग से मिलेगा। और इसके लिए कार्यालय परिचारी और आपको कर्म पत्र वितरक दोनों के लिए सेम यहाँ पर योग्यता है कि मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और साथ में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। और जो आरक्षण होगा बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको मिलेगा, और जो बिहार के राज्य के बाहर के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही लोग भरेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होना चाहिए 1/1/19 को, और जो अधिकतम है वो अनारक्षित के लिए 37 साल, बाकी महिला पुरुष जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, और SC/ST के लिए महिला पुरुष के लिए 42 साल है। और जो परीक्षा की पद्धति होगा वो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। और जो परीक्षा शुल्क है वो जो बिहार राज्य के SC/ST हैं उनके लिए 50 रुपया और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 50 रुपया, और बाकी सब के लिए चाहे बिहार के हो या बाहर राज्य के हों अदर कैटेगरी में 200 रुपया आपको लगेगा। तो ये आप जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह जरूरी है, इसके बाद आपको मिलेगा ये आईडी और पासवर्ड, तभी आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो आप लोग को पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा अपडेट। और दूसरा है विज्ञापन संख्या 8/19, इसमें भी जो आपको सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें जो पोस्ट अलग अलग है चलिए वो दिखाते हैं आपको। इसमें भी जो तिथि है आवेदन का सेम है, 20 से शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हैं इसमें।
जो पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी कार्यालय परिचारी, दरबान कार्यालय परिचारी, फरास कार्यालय परिचारी, सफाईकर्मी एवं कार्यालय परिचारी माली के रिक्त पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि देखिए सीट दिया गया है आपको रात्रि प्रहरी के लिए 4, दरबान के लिए 7, फरास के लिए 9, सफाईकर्मी के लिए 7 और माली के लिए 6। बाकी इसमें जो सैलरी है वही 18,000 से लेकर 56,900 बाकी अन्य भत्ता मिलेगा। और इसमें फ्रेंड्स जो है आपको इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी का जानकारी होना चाहिए और साइकिल चलाने का अनुभव यानी क्षमता होना चाहिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये रहा और इसका जो PDF आप अगर चाहते हैं देखना तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।